My friends, on continuation of session number one, that is basic organic chemistry, this session will start with this classification of organic compounds. Now, organic chemistry is a huge chemistry. Till time, session one के अंदर हमने discuss कर लिया. अब सभी को पता चल चुका है center element is carbon. Rather than telling a carbon chemistry, we put it as a word hydrocarbon derivatives. So, क्लासिफिकेशन क्या होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का. सो आज के सेशन के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज एसाइक्लिक और यू कैन से दैट ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक और रिंग कंपाउंड. फर्स्ट इज एसाइक्लिक और यू कैन से दैट ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक, that is called as ring compound. Acyclic or open chain compound or aliphatic compound, name itself suggests it is aliphatic compound, linear chain hoga. In this compound, the carbon atom are joined together to form a long chain, which may be the straight chain or branch chain. They are further classified as a saturated compound and unsaturated compound. Now, saturated compound kisko bolenge? अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड इफ कार्बन एसोसिएट विद कार्बन विद डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. नाउ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर दो चीज होगी, सी डबल बॉन्ड सी दैट इज अल्किन एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी दैट इज अल्काइन. तो सबसे पहले एसाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन. ओपन चेन के अंदर भी आप दो पार्ट बता सकते हो, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड इज ऑल अबाउट कार्बन एसोसिएट विद कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, वेल इन केस ऑफ कार्बन एसोसिएट विद कार्बन विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज हैंडल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज अल्किन एंड अल्काइन. सो पॉइंट नंबर टू इज ऑल अबाउट साइक्लिक और क्लोज चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर. So in this compound, the carbon atoms are joined together to form a rings. These rings may be homocyclic or heterocyclic. If the ring contains only one carbon atom, it is called homocyclic compounds. So ring ke andar only and only carbon atoms hi honge, to usko bolenge homocyclic compound. And if it contain atom other than carbon, like oxygen, nitrogen and sulfur, that is entitled as heterocyclic compound. So cyclic compound is once again subdivided into two part, that is called as homocyclic and this is heterocyclic. Homocyclic ke andar kya hoga, jo cyclic compound hai wo cyclic compound ke andar sare ke sare carbon species honge, to that is homo means same compound. And heterocyclic ke andar honge, instead of carbon one nitrogen, one oxygen or one sulfur is fused. Either ye teen mein se koi bhi ek ring ke andar fused ho jayega. So that is entitled as heterocyclic compound. तो सबसे पहले चार्ट फॉर्म में ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन एक 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 पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लेंगे. So let's discuss this organic compound chart. So first point, first organic compound is classified into this two major part, that is called as acyclic or open chain, and that is cyclic. ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी आप दो पार्ट निकाल सकते हो, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वन. सैचुरेटेड का मतलब होगा वेर कार्बन एसोसिएटेड कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वन. एंड व्हेन कार्बन एसोसिएटेड कार्बन विद मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. नेक्स्ट साइड बाय साइड होगा साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक एंड हेटरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक के अगेन दो पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, होमोसाइक्लिक का मतलब होगा ये जो साइक्लिक कंपोनेंट है उसके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम ही होंगे, दैट इज एंटाइटल्ड एज होमोसाइक्लिक. बट इंस्टेड ऑफ कार्बन चेन वन ऑफ दिस नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर फ्यूज्ड इन अ साइक्लिक रिंग, दैट इज एंटाइटल्ड एज एसाइक्लिक और एरोमेटिक. जनरली इट इज एंटाइटल्ड एज हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड. हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या बनेगा, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड फ्यूज विथ वन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, किसी एक के साथ फ्यूज हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज एंटाइटल्ड एज हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड.
So homocyclic once again subdivided into two part. First is alicyclic compound, CH2, 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 that is entered as a cyclopropane. Teen carbon ki chain, that is propane, and it is a cyclic structure, that's why it's a cyclopropane. Aromatic compound once again subdivided into two part. First is benzenoid compound and this is called non-benzenoid compound. So aromatic ke andar do part padenge. Benzenoid means benzene containing ring. This is benzene ring. Benzene ring ke upar OH hoga, so that is benzene containing ring, that is called as benzenoid compound. And here in case this is not benzene, dekhiye this is 7 carbon ring, this is 5 carbon ring. So 5 carbon ring fused with 7 carbon ring, it is known as azulene. So this is non-benzenoid compound. Ye yaad rakhiyega, ye one marker question mein bahut baar pucha hua hai. Give one example of non-benzenoid ring and draw its structure. The name is azulene. This is 5 membered ring, this is 7 membered ring. This is benzenoid compound. So once again, homocyclic subdivided into two part, that is called as acyclic compound. This is aromatic compound. Acyclic compound ke andar aap example le sakte ho, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Kisi ka bhi aap example quote kar sakte ho. Opposite to that, aromatic compound subdivided into two part. First is benzenoid compound, means benzene containing compound, and this is non-benzenoid compound. Benzenoid containing compound is known as phenol. And non-benzenoid compound is entitled as azulene. Azulene is 7-membered and 5-membered fused. That is azulene. अब once again ऊपर चले जाइए. Heterocyclic का definition आपने पढ़ा. Definition के बाद discussion करते. This is called as acyclic and aromatic. Acyclic का मतलब देखिए. This is acyclic. THF का मतलब होगा tetrahydrofuran. Once again THF माने tetrahydrofuran. Here in case oxygen is fused between 5-membered ring. ये 5-membered ring है, यहाँ पे carbon होता तो ये हो जाता cyclopentane. But instead of carbon, means CH2 की जगह पे oxygen fused हो चुका है, that is tetrahydrofuran. This is aromatic compound. Aromatic compound का मतलब double single double bond होगा. और instead of one carbon, one nitrogen is there, that is called as pyridine. So this is aromatic heterocyclic compound. This is acyclic or allylic or acyclic compound, that is called as THF tetrahydrofuran. यहाँ पे double bond containing system नहीं होगा, यहाँ पे single bond होगा. Here in case double single का system, and instead of one carbon one nitrogen is there, that is called as pyridine. So ये हो गया आपका classification. Many a time school examination के अंदर this classification ask in 3 to 4 marks. पूरा चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा एंड ईच एंड एवरी पार्ट का 2 से 3 लाइन में डिस्कशन करना है. सो यही क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं. सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड. एसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या बनेगा, दिस आर द एसाइक्लिक कंपाउंड. देखिए acyclic compound contain at least one carbon cyclic ring. Acyclic hydrocarbon are the 3 types, cycloalkanes, cycloalkenes and cycloalkynes. Alkane, alkene and alkyne, but all are in cyclic forms, that's why cycloalkane, cycloalkene and cycloalkynes. Opposite to that, aromatic is subdivided into two part. One is benzenoid, another is non-benzenoid. So aromatic compound are some special type of compound. These are further classified with the 2 types, that is first aromatic compound containing benzene ring is entitled as benzenoid compounds, and those which do not contain benzene ring are entitled as non-benzenoid compounds. As for example, non-benzenoid aromatic compound is tropolones. One more example is tropolones. Heterocyclic compound may be alicyclic or acyclic aromatic heterocyclic compound, that is THF tetrahydrofuran, that is acyclic, and aromatic is pyridine. So this is all about your classification of organic compounds. Next topic, functional group. Now what actually means by functional group? Atom or a group of atom except hydrogen which are bonded to this carbon atom are called functional group.
These groups are responsible for the characteristic chemical properties of this organic compound. Some important functional groups and their name are depicted are listed below. तो सबसे पहले वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर बॉन्डेड विद द कार्बन एटम आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स. सो हियर इन केस यू फाइंड सम फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कुछ फंक्शनल ग्रुप, वही फंक्शनल ग्रुप और थोड़े से और ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यहां पर डिस्कस करने हैं. दैट इज OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कंपाउंड का कॉमन नेम होगा अल्कोहल. NH2 दैट इज अमीनो ग्रुप, कंपाउंड नेम इज अमाइन. X स्टैंड्स फॉर हेलो ग्रुप. अगर X की जगह पे F रखोगे तो फ्लोरो, Cl रखोगे तो क्लोरो, Br रखोगे तो ब्रोमो एंड I रखोगे तो आयोडो, ऐसा हो जाएगा. CHO means aldehyde group. Or you can say that formal group. Basically, that is common name is aldehyde. CO means carbonyl or ketone group. COOH means carboxylic acid or carboxylic group. Common name is carboxylic acid. O means oxy group, ether. CN means cyano, or you can say that nitrile. NO2 means nitro group. ये सारी की सारी स्पीशीज जब कार्बन के साथ जुड़ जाती है तो यू गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे CH3COOH इज नोन एज एसिटिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड, बट CH3OH इज नोन एज मिथेनॉल. CH3NH2 मीन्स मिथाइल अमाइन. लाइकवाइज CH3Cl मीन्स क्लोरोमीथेन. लाइकवाइज जब फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होगा, CH4, सिंपल एग्जाम्पल, CH4 में से एक H को रिप्लेस कीजिए और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप डाल दीजिए, यू गेट द वैरायटीज ऑफ कंपोनेंट. सो दिस आर द फ्यू वेरी कॉमन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस आर द नेम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज. अ सीरीज और द ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द एडजेसेंट मेंबर आर डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप. आप सिंपल एग्जांपल लीजिए अल्केन की होमोलोगस सीरीज का. अल्केन की होमोलोगस सीरीज क्या होगी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन. नाउ मीथेन से इथेन में डिफरेंस कितना है? मीथेन इज CH4, इथेन इज CH3CH3. इथेन से प्रोपेन की तरफ चले जाओ तो यू गेट CH3CH2CH3. सो बेसिकली सब्सिक्वेंट एक एक कार्बन मेंबर बढ़ने से बेसिकली इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप हो रहा है, और यू कैन से दैट इंक्रीज बाय 14U. 14U का मतलब एटॉमिक वेट की अगर आप बात करोगे तो डिफरेंस इज ऑल अबाउट 14 यूनिट्स. द नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस. दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, have the similar chemical properties and show gradation in physical properties. They can be prepared by some general methods of preparation. As for example, for homologous series of alkane, alkene and alkynes, alcohol and compounds are as shown below. So, सबसे पहले alkane के अगर homologous series के बारे में बात करें तो general formula of alkane is CnH2n+2. This is methane CH4, this is ethane C2H6, this is propane C3H8. Now you can easily find out, methane से ethane की तरफ जाते हैं तो difference is CH2, ethane से propane की तरफ जाते हैं तो once again a difference is CH2, propane से butane की तरफ जाते हैं once again difference is CH2. अगर आप इसका atomic weight measure करोगे तो this is 16, this is 30. Now 16 and 30 difference is 14 unit. Likewise, this is 30 and this is 44. Difference is once again 14 unit. So you can say that in homologous series, increase by CH2 or increase by 14U. This is a simple homologous series. Ab alkene ki baat kar rahe hai, this is ethene, then this is propene, this is butene. Likewise, agar functional group ke baare mein discussion kare, toh this is alcohol. So this is methanol, ethanol, propanol, butanol. So this is homologous series of alcohol.
एंड लास्ट अगर हम एसिड की बात करें तो दिस इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच फंक्शनल ग्रुप, सो यू कैन से दैट मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोलोगस सीरीज. सो लाइकवाइज यू हैव टू प्रिपेयर अ वैरायटीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप व्हेन रिएक्ट विथ बेसिक वर्ड रूट. बेसिक वर्ड रूट का मतलब इफ एन इज इक्वल टू वन दैट इज मिथ, एन इज इक्वल टू टू, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन, टू इज इक्वल टू मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन. ऐसे ही आप बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप के भी होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म.